तो फ्रेंड्स बहुत इंतजार के बाद जो है फाइनली रियलमी ने रिलीज कर दिया अपना रियलमी वॉच के सारे स्पेक्स जो रिलीज कर दिए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रियलमी पे, जहां पे पूरा सब कुछ वहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि क्या क्या हमें रियलमी वॉच में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मैंने देखा मैं सच में बहुत ही एक्साइटेड हो गया। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँ, तो यार बहुत ही कमाल के स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं और हमें ऐसे कई फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हमें शायद इस एप्पल की स्मार्ट वॉच में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो बहुत ही कमाल की स्मार्ट वॉच हमें देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसी स्मार्टफोन के सारे स्पेक्स के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तब तक के लिए चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वॉच के लुक की। तो पहले हमने जो है कई इवेंट वगैरह में हमें ये वॉच देखने को मिली थी अनऑफिशियली, बट अब हमें जो है ऑफिशियल लुक हमें देखने को मिल गया वेबसाइट पे। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो स्पेक्स है वो है टाइम फॉर कूलर। अब कूलर वो नहीं जिसमें से आपको ठंडी हवा मिलती है, वो वाला कूलर नहीं। ये यहाँ पे जो कूलर का मतलब है वो है कि आपके हाथ में पहनने के बाद जो है कितनी कूल लगती है ये वॉच। तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है 1.4 इंच का एक लार्ज टच स्क्रीन, हमें कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी कहता है इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे बड़ा डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। तो यार प्राइस सेगमेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो है क्या यार क्या प्राइस होने वाली है इसकी। तो ये हमें इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का लुक आप सामने देख ही सकते हैं, एकदम आउटस्टैंडिंग लुक हमें देखने को मिलेगा। कलर वगैरह की हम बात करें तो बहुत ही अच्छा कलर इन्हेंस निकल के आ रहा है इसके लुक के हिसाब से। बाकी जब जो है रियल रिव्यू होगा तब पता चलेगा क्या इसकी एक्चुअल क्वालिटी है। तो लुक के मामले में बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है टाइम फॉर फिटर, मतलब जो लोग फिटनेस ट्रैकर या उसको मतलब डिफरेंट वे से डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी लिस्ट है, मैं आपको सारी एक्टिविटी बता देता हूँ क्या क्या लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें देखने को मिलेगा रन, वॉक, ट्रेडमिल, बैडमिंटन के लिए अलग से देखने मिलेगा, एरोबिक कैपेसिटी देखने मिलेगी, फिटनेस दिया गया, फुटबॉल के लिए दिया गया है, बास्केटबॉल भी खेलेंगे वो हमें देखने को मिल जाता है, टेबल टेनिस खेलने के मिल जाता है, बाइक के लिए मिल जाता है, स्पिनिंग के लिए मिल जाता है, इलिप्टिकल्स के लिए मिल जाता है। ये सब स्पोर्ट एक्टिविटी जितनी भी हैं, योगा हो गया, क्रिकेट हो गया, तो ये सारी एक्टिविटी हमें एक कॉम्पैक्ट एक सिंगल वॉच में देखने को मिलेगी, जो कि हमें ये सारी एक्टिविटी हमें इस वॉच में भी देखने को नहीं मिलती, जो कि एक 25,000-30,000 की वॉच आती है। तो यार बहुत ही कमाल की, मतलब स्पोर्ट वर्कर जो भी होते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी जो लोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस लिस्ट में से हट के कुछ होगा ज्यादा। ये नॉर्मली जो लोग करते हैं वो सारी एक्टिविटी जो है इसमें कॉम्पैक्ट कर दी गई, इस डिवाइस में भर दी गई है कि आपको कहीं से भी कोई चीज की कमी ना लगे। तो पूरा इसको एक कॉम्पैक्ट पैकेज बनाया गया है वॉच के रूप में, बहुत ही कमाल का। इसमें हमें 24/7 जो है हेल्थ असिस्टेंट देखने को मिलेगा, जहां पे आपके ब्लड प्रेशर को एवरी टाइम ये वॉच मॉनिटर करता रहेगा कि आपकी हार्ट बीट चल रही है, और साथ ही जो है हमें ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को भी मॉनिटर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही कमाल का अच्छा पैकेज है जहां पे हमें ये सारे कॉम्पैक्ट फीचर देखने को मिल जा रहे हैं। अच्छी तरीके से आपके फोन को मतलब आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता रहेगा, रियल टाइम मॉनिटर करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इस फिटनेस, मतलब एक ये कॉम्पैक्ट है जहां पे आपको फिटनेस ट्रैकर से रिलेटेड हर चीज देखने को मिल जाती है और एक वॉच का भी वर्क सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का एक कॉम्पैक्ट पैकेज है ये रियलमी का वॉच। अब जो अगली चीज है वो है टाइम फॉर स्मार्टर, और ये चीज बहुत ही अच्छी लॉन्च की रियलमी ने, जो कि रियलमी का लिंक ऐप है बहुत ही कमाल का, जहां पे ऑल इन वन कंट्रोल सेंटर है रियलमी के जितने भी IoT डिवाइसेस वगैरह इन फ्यूचर जो भी लॉन्च होंगे सब कुछ जो है इस रियलमी लिंक के ऐप से जो है कनेक्टेड रहेंगे, सब कुछ आप एक ही जगह कर पाएंगे। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि आपको चार जगह चार ऐप नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें जो है Xiaomi में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो है हमें कई कई वैरायटी के ऐप देखने को मिलेंगे, बट इसमें जो है हमें इस एक सिंगल Realme लिंक में जो है ऐप में हमें सारे IoT प्रोडक्ट्स के सारे कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा Realme ने बोला, माधव सेठ जी ने जैसा बोला। अब फ्यूचर में क्या होता है कि क्या जो है अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग ऐप आता है कि नहीं, बट अभी तक के लिए यही है कि जो माधव सेठ जी ने बोला है कि सारे आपके जितने भी IoT प्रोडक्ट्स वगैरह हैं सब कुछ आपका इसी में एक इसी ऐप में लिंक रहेगा, सब कुछ आप एक ही प्लेस पे जो है ऑपरेट कर पाएंगे बहुत ही इजीली और बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से।
और इसकी कुछ चीजें जो मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी कि आप जो एंटरटेनमेंट भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने ईयरफोन को वायरलेस जो Realme का एयरपॉड है वो सारे डिवाइसेस और भी अदर कंपनी के आप जो है इस वॉच से कनेक्ट करके जो है इजिली इंजॉय कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से वन कंट्रोल पे। और उसके साथ में एक चीज और अच्छी है जो कि हमें एप्पल वॉच में देखने को मिलता है कि आप जो अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं अपने वॉच के थ्रू, तो ये एक बहुत ही बढ़िया और प्लस पॉइंट है कि आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें हम जो है और भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे हम कॉल को जो है रिसीव कर पाएंगे, डायल कर पाएंगे और डायरेक्टली वॉच से भी बात कर पाएंगे। क्योंकि जैसा इमेज में इलस्ट्रेट कर रहा है उसमें हमें माइक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इट मींस कि जैसे ही आप माइक को ऑन करेंगे तो वो आप डायरेक्टली वॉच से बात कर पाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ में हमें वेदर वगैरह के भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ में अलार्म वगैरह भी लगा सकते हैं आप, तो बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया। और नोटिफिकेशन वगैरह भी हमें देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल सभी ऐप्स वगैरह के देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल सभी लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे ऐप हैं। और साथ में एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है टिकटॉक, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर कर देना, ये वाला टिकटॉक वाला हटा देना, कोई मतलब नहीं है और उम्मीद है कि आगे ये बैन भी हो जाए, होप सो, ये हमारे आपके लिए भी अच्छा रहेगा, तो इस टिकटॉक को इग्नोर कर देना। बाकी हमें अदर और भी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अदर ऐप्स वगैरह के भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही कमाल का कॉम्पैक्ट फीचर्स स्मार्ट वॉच हमें देखने को मिल गया है रियलमी की तरफ से। स्पेक्स तो सारे अब सामने आ चुके हैं, बट अब लास्टली जो है बचता है जो कि है इसका प्राइस क्या होने वाला है। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वॉच को, जैसे ही मैंने देखा मतलब मैं सोचा कि ये फाइनली मैं परचेस करने वाला हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ अभी, फाइनली मैं नहीं बता सकता कि क्या करूँगा, बट मेरे को जो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ इस वॉच के तरफ, जो है बहुत ही कमाल की मेरे को लग रही है वॉच। अलग अलग तरह के हमें कलर के स्ट्रैप वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने वॉच को जो एक फंकी टाइप का लुक, एक बहुत ही मज़ेदार लुक देख सकते हैं, और साथ में आप जो है बहुत ही अच्छा कूल फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है पूरे वॉच में, सारे एक्टिविटी के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट लास्टली वही क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइस क्या है। मेरे को जो लगता है वो प्राइसिंग ये होने वाली है, ऑलमोस्ट जो मेरा अंदाज़ा लगता है वो है 9999 की ऑलमोस्ट जो हमें इसकी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है, या 8999 की। अब लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, तो आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं 25 मई को जो है लाइव इवेंट होने वाला है, तो मैं तो पूरा लाइव इवेंट वॉच करने वाला हूं, उसके बाद जो प्राइस होगी मैं आपको फटाक से अपडेट कर दूंगा ट्विटर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू भी सब कुछ मैं अपडेट कर दूंगा। तो यार अभी तक आपने जो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए फटाफट से। तो यही था इस वीडियो में, बाकी जो है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमेशा आती रहती है और साथ में बीच बीच में फन वगैरह भी होता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।